हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय जूनियर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा कन्वर्टिंग चल रहा था। मीन्स ये चल रहा था, मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर कैसे करते हैं। ओके, अब ये दो आपको टेबल मिलेंगी जो ऑक्टल नंबर में मिलेंगी और हेक्साडेसिमल कोड में मिलेंगी। जी, ये कोड ही हैं आपके, ये कोड हैं, तो मैं आपको अच्छे से शो कर देती हूँ। दिख रहा होगा, आप लोग चाहे तो उसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप लोग, अच्छे दिख रहा होगा। आप लोग पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी और मैं आपको कॉपी में करके ही इसको लर्न कैसे करें मैं वो भी आपको बता दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट, जो टेबल कोड है हेक्साडेसिमल कोड, ये है यहाँ से। आपको तो पता ही है 0 to 15 नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में, तो आप उतना ही नोट कर सकते हो। है और इसके जो 4 के बाद से जो टेबल है, ये जो नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम है 0-1 की लैंग्वेज में, हेक्साडेसिमल नंबर है ये, और ये इसकी जो वैल्यू दी गई है वो है। अच्छे से आप लोग नोट कर लो। ओके, आप लोग का नोट हो गया होगा, तो चलते हैं इसको, मैं आपको बता दूँ इसको लर्न कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं कन्वर्टिंग। बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ओके, अब जो टेबल है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो कि जो जितना ही मैंने आप लोगों को अभी तक एक्सप्लेन किया है, ये हमारा जो कन्वर्टिंग जितना भी प्रोसेस चल रही है, मींस ऑक्टल बाइनरी जो जितना कन्वर्टिंग चल रहा है, उसका ये पार्ट नंबर सेकंड है। और मैंने जितना भी आपको समझाया है सारे बिना रूल वाली कॉपी में बताए, क्योंकि जो यहाँ के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होते हैं वो बिना रूल के ही, जो एग्ज़ाम शीट आती है, आंसर शीट आती है, वो बिना रूल की ही होती है। तो आपको पहले से ही हैबिट डालनी होती है कि आप बिना रूल वाला लिखने की प्रैक्टिस कर लें। देखिए, ये जैसे कि मेरी लाइन है एकदम स्ट्रेट दिख रही होगी आपको यहाँ पर भी। चलते हैं टेल बनाते हैं, आप लोग चाहे तो मेरे साथ ही नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये आप लोग काउंट कर सकते हो, ये पूरे नंबर 8 हो चुके हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो उसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 000। और फिर जो 1 है यहाँ पे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 है तो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ 11 आ जाएगा। फिर यहाँ 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में 111 मीन्स 111 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट ही हैं। मीन्स इसको लर्न करने का तरीका यही है कि यहाँ पे फर्स्ट में 0, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7। सो 0 का 000 है, 1 का 1 ही है। आपको पीछे साइड से लिखना स्टार्टिंग सीखना पड़ेगा, जैसे 1 फिर 10 11 सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया 0, 1, 10, 11 मींस आपको 2 की 3 की ये कुछ नहीं, 0, 1 का ही आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा आपका। ओके, अब 11 के बाद कहीं तो आता 21, 31 ऐसा आता है, नहीं डायरेक्ट 100 आ जाएगा, 101, 110 एंड 111। सारे इनमें 1 ही 1 आ रहा है, आप लोग देख सकते हो आप, और पीछे साइड से भी लर्न कर सकते हो। देखो सारे 3 डिजिट हो चुके हैं। और इजी फॉर्म में ये मैं आपको बता सकती हूँ, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो इसका 0 आ जाएगा आपका, 1 का 1 आ जाएगा, मैं पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 2 का 10 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा, फिर इसका 100 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से आपके 101 आ जाएगा, 10, 110 आ जाएगा, 111 आ जाएगा।
बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ नंबर याद करने हैं, ठीक है। ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। मीन्स अब इसके जो एग्जांपल होंगे, एग्जांपल देते हैं कन्वर्ट। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। मीन्स इनको 3-3 के पेयर में पहले ये जो वैल्यू है वो नोट कर लेते हैं। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। ओके, तो ये जो वैल्यू है इनको 3-3 में नोट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे, और मीन्स इसको सॉरी इसको पीछे से करते हैं। तो मैं फिर से दिखा देती हूँ, इसको पीछे से लेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा। अब ये जो 1 अकेला बचा है तो उसके आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो 3 पेयर बन चुके हैं। अब ये चेकआउट करना है कि ये नंबर क्या डिनोट करते हैं। ओके, तो 001, 001, तो ये किस में आ रहा है, ये आपका 1 में आ रहा है। ओके, तो इसका 1 आ जाएगा, इसका भी सेम ही है 001, तो इसका ही 1 आ जाएगा। अब 110 किसका आ रहा है, आप लोग खुद देख सकते हो, ये 6 का आ रहा है, तो इसका ये आंसर 6 आ जाएगा। मीन्स जिसका ऑक्टल नंबर निकलेगा ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मतलब बता सकते हो कि क्या इसमें प्रॉब्लम मैंने आई है या मैं सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ओके माय जूनियर्स, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और दिस वैल्यू। तो जो अब पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज कन्वर्ट करने का इजी वे और जो कोड होता है। ओके, अब ये इसी का दूसरा पार्ट है, मींस हेक्साडेसिमल नंबर का है। ओके, तो जो यहाँ की वैल्यू है सबसे पहले वो लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ये वैल्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 मैक्सिमम नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट करने पर 15 पे एंड होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वैल्यूज़ नोट डाउन करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद आपको मैंने बताया था ए आएगा, 2-digit नंबर जो कि 10 आता है वो नहीं आएगा, बी सी डी ई एफ लास्ट में। ओके, अब मेन जो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पे अब नोट करना है। ओके, तो हेक्साडेसिमल नंबर में 3-digit नहीं आएंगे, इसमें 4-digit आएंगे, 0, 0 देख सकते हो, 4-0 हो चुके हैं। फिर से यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, जैसे पहली ऑक्टल नंबर वाले सिस्टम में किया था ना, सेम वैसे ही होगा, 100 आया था। फिर उसके बाद क्या आया था, 101 आया था, फिर 110 आया था, फिर 111 आया था। ओके, तो ये कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये इस कॉपी में मे बी हो सकता है यहाँ से नंबर से ऐसे लाइन सेम नहीं हो, तो यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 4-digit का होगा, तो यहाँ पे 4-digit बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे 0 ही आगे बढ़ा सकते हैं अपन लोग, ये हो चुका है आप लोगों का 7 तक। तो वो ऑक्टल नंबर से आपको सिर्फ 1-0 आगे ही बढ़ाना है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट है, फिर उसके बाद 1 से होगा, मींस 1008 नंबर पे आएगा, 1001 आएगा, 1010 आएगा, मींस आपको 0 के बाद सिर्फ इस लाइन में सेम इसी प्रोसेस लिखी जाएगी, बट 0 की जो ये लाइन दी गई है यहाँ पे आपका सिर्फ आपका 1 आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 111 आ जाएगा,
ओके मैंने आपसे क्या बोला, अब इसमें से अपन को वन ऐड करना है और फोर डिजिट यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, फोर आनी चाहिए। देखो आप लोग सेम देख सकते हो, मैंने आपके सामने किया है ए बी सी डी एंड ई एफ, आप लोग बुक से चेक कर सकते हो। देखो ये सेम देख सकते हो आप लोग। ओके अब इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोग ने ऑक्टल नंबर की जो वैल्यू है वो याद कर ली तो आप लोग को ये बहुत इजी हो जाएगा करने में। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे ये फोर डिजिट है तो मींस इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी फोर डिजिट का ही पेयर बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि इसका जो पेयर बनता है वो पीछे से बनता है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे ज़ीरो ज़ीरो लग जाएगा, ये हो गया, क्लियरली दिख रहा है ना आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या होगा, वन वन ज़ीरो वन किस उसमें है, वन वन ज़ीरो वन ये है डी, सॉरी कट हो गया उसमें, वन वन ज़ीरो वन ये सेम है, देख सकते हो आप लोग। ज़ीरो ज़ीरो टेन, ज़ीरो ज़ीरो ये टू में है, देखो ज़ीरो ज़ीरो टेन। ओके तो इसका आंसर ये जो चीज़ है इसका आंसर टू आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, ये डी आएगा। डी की वैल्यू क्या होती है, थर्टीन। तो इसका क्या आंसर आएगा आप लोग बता सकते हो, मैंने आपको आंसर ही करके दिखा दिया। टू डी हेक्साडेसिमल का सिक्सटीन का ये पावर हो जाएगा, देखो कितना ईजी है। नहीं आया सर में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना के दे सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट टू था कन्वर्टिंग जो सारी चीज़ें हैं उसके, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मीन्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको लगे कि हाँ नहीं आता है किसी को उनका शेयर कर सकते हैं।